हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल क्वेस्ट ईवी। टुडेज आवर डिस्कशन टॉपिक इज अ कंपैरिजन बिटवीन सीएनजी कार एंड इलेक्ट्रिक कार। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीएनजी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। सो एज यूजुअल दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम सीएनजी और इलेक्ट्रिक में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है वो एक्सप्लोर करेंगे। सीएनजी में अवेलेबल ऑप्शन है मारुति एस्प्रेसो, इको, सिलेरियो, ऑल्टो, वैगनार, अर्टिगा। टाटा मोटर्स का सीएनजी का कोई अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाउएवर टाटा मोटर इज़ प्लानिंग टू लॉन्च टियागो इन सीएनजी वर्जन। ह्युंडई में ह्युंडई ओरा, ह्युंडई सेंट्रो, ह्युंडई एक्सेंट प्राइम, महिंद्रा में KUV100 एंड किया में सेल्टॉस, इतने सारे ऑप्शन सीएनजी में अवेलेबल है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच आर अवेलेबल इन आवर मार्केट। टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी ZS ईवी एंड Hyundai Kona, दीज आर थ्री कार्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया एज ऑन डेट। लेट्स स्टार्ट वैल्यूएशन ऑफ सीएनजी कार्स वर्सेस इलेक्ट्रिक कार्स। तो हमारे जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है दोज आर बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज द परचेसिंग कॉस्ट, देन रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर, थर्ड वन इज द इमिशन और एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कार, फोर्थ वन इज द रेंज, फिफ्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग और रीफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स्थ वन इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, सेवन्थ नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कस्टमर्स, एट्थ वन इज द चार्जिंग और रीफिलिंग टाइम, एंड नाइन्थ वन इज अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट आपकी परचेसिंग कॉस्ट है। अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बात करेंगे तो एज ऑन डेट इलेक्ट्रिक कार्स आर वेरी कॉस्टली एज मोस्ट ऑफ द कोर कंटेंट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज लोकेशंस। उसी की वजह से आज के डेट पे इलेक्ट्रिक कार्स आर कॉस्टलियर। वेर एज सीएनजी कार्स की जो अगर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे तो सीएनजी कार की प्राइस रफली 40,000 to 50,000 रुपीज पेट्रोल वर्जन से ज़्यादा होती है, एंड इफ वी कंपेयर इट विद इलेक्ट्रिक कार्स इट इज़ क्वाइट लो। रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर सीएनजी में 3 रुपीज पर किलोमीटर आती है, वेर एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इट इज़ क्वाइट लो, 1 to 1.5 रुपीज पर किलोमीटर। दोनों भी कार एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वेर एज इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ साउंड देयर नॉइज, इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉइज फ्री। सीएनजी कार्स में थोड़ा जो इंजन का नॉइज आता है दैट इज दैट विल बी देयर। रेंज इलेक्ट्रिक कार्स जो कंपनी क्लेम करती है वो रफली 350 किलोमीटर पर चार्ज क्लेम करती है। रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर हम सीएनजी की बात करेंगे तो सीएनजी में बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द व्हीकल एंड द सीएनजी टैंक कैपेसिटी। हाउएवर वेरी डिसेंट रेंज इज ऑफर्ड बाय कार मैन्युफैक्चरर्स फॉर अ सीएनजी। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग और रीफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ एज ऑन डेट इलेक्ट्रिक कार्स का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्प्रेड हुआ नहीं है, एंड इट इज़ स्प्रेड ओनली इन मेट्रोज और ए क्लास सिटीज, एंड ऑल्दो इट इज़ दिस चार्जिंग नेटवर्क इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट इट विल टेक सम टाइम टू हैव वाइड स्प्रेड ऑफ दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वेर एज इन केस ऑफ सीएनजी वी कैन सी सीएनजी स्टेशंस एट मेनी सिटी लोकेशन, सिटी एरियाज, इवन इन बी क्लास सिटीज एज वेल एज ऑन हाईवेज। सो this particular refilling infrastructure is good in terms of for CNG. cost of maintenance, electric car mein cost of maintenance is low because of there are no moving elements and mechanical elements kam hone ke wajah se cost of maintenance kafi kam hai, whereas in case of CNG it is a moderate. number of options available for customers to buy, electric car mein as on date only 3 options are available, whereas in case of CNG there are many options. charging or refilling time, in case of electric car to charge a battery by fast charging mode it takes at least 1 hour to get it charged up to 80%, whereas in case of CNG it takes hardly 2 to 3 minutes for refilling. now the very important point, the proven track record of technology. jaise ki aap jante hain ki electric cars are very new and this technology is not very matured. however there is speedily development happening in this particular technology, so in coming time we can see a vehicle with a very decent range as well as the charging time will be also come down. but agar hum aaj ki baat karenge ye technology hum bol sakte ki thodi si nascent stage mein hai. now
In case of CNG, this CNG it is a very proven now. अगर हम थोड़े से CNG व्हीकल के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो CNG के जो सिलेंडर्स है दोज एक्चुअली ऑक्यूपाइज क्वाइट गुड स्पेस एंड विच रिड्यूसेस योर लगेज स्पेस. ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड टू बाय अ CNG व्हीकल विच हैज़ कंपनी फिटेड CNG किट. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थिंक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विच वन इज़ अ बेटर. अगर हम आज के डेट पे अगर बोलेंगे तो CNG विल बी अ बेटर ऑप्शन. हाउएवर अगर आपका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ आपकी अगर इंक्लिनेशन है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय न्यू टेक्नोलॉजी नॉइस फ्री राइड देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इलेक्ट्रिक कार. होप दिस डिस्कशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेनिफिट्स लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एंड CNG कार्स एंड इट विल हेल्प यू टू चूज बेटर प्रोडक्ट विच विल सूट टू यूर नीड्स. अगर आपका कोई क्वेरी है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. We'll try to answer your query. I also request you to visit our website www.questev.com. Thank you for supporting us and bye. Take care.